अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आने वाले 2 से 3 दिन में हर संसदीय क्षेत्र में इस तरह के वॉर रूम खोले जाएंगे, जहां से लोकसभा क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी और हर दिन शाम को रिपोर्ट पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यालय भेजी जाएगी। कांग्रेस ने अपने इस वॉर रूम का जिम्मा युवा नेता सौरभ सिंह चौहान को सौंपा है। वॉर रूम में कांग्रेस की तरफ से एक पूरी टीम भी तैनात की गई है और ये टीम 24 घंटे लगातार चुनाव के दरमियान सोशल मीडिया में पार्टी का नाम करेगी। जो आज पीसीसी का वॉर रूम हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी ने इनॉग्रेट किया है, ये AICC के वॉर रूम की डायरेक्शंस में पीसीसी चीफ की निगरानी में रहेगा और इसे अहम तौर पर 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर डिसीजन मेकिंग टीम रहेगी जो प्रदेश के कोर ग्रुप के लोग उसमें रहेंगे और उस डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर जी के लिए रखेंगे एवं जितनी भी कार्यप्रणाली इस वॉर रूम की देखी जाएगी डे टू डे बेसिस में रिपोर्ट्स को और जितना भी रिस्पांस हमें हिमाचल प्रदेश के हर एक ज़िले से, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक लोकसभा के क्षेत्र से आ रहा है, वो सारी की सारी शाम को रिपोर्ट्स प्रदेश अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौर जी को दी जाएंगी। अपना जो वॉर रूम है उसका शुभारम्भ कर दिया है, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वॉर रूम है। इसी तरह 4 जो हमारे संसदीय क्षेत्र हैं वहाँ भी हम जो है वॉर रूम की स्थापना बहुत जल्दी करने वाले हैं। आज हम विधिवत रूप से जो है शिमला से हमारा जो वॉर रूम है अपना कार्य जो है शुरू कर दिया है। कंट्रोल रूम के जो 2 नए नंबर है वो आपके माध्यम से हम